तो आज से हम एक दो निर्णय तो ले सकते हैं, जैसे आज हमारी ये मीटिंग हुई है, ऐसे महीने में एक बार मैं आपके साथ सारे लोगों के साथ ऐसे एक बारी मीटिंग किया करूंगा, ठीक है जी। दूसरी चीज, अभी आने वाले हफ्ते से मैं हर विधानसभा में जाऊंगा और हर विधानसभा के वॉलंटियर्स की अलग से मीटिंग लूंगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, हम बूथ इंचार्ज से शुरू कर रहे हैं, तो जहां जहां मैं जाऊंगा वहां बूथ इंचार्जों की मीटिंग होगी। बूथ इंचार्ज के साथ सीधे संपर्क करेंगे, बूथ इंचार्ज को पद दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो दोस्तों, संगठन अप्पा कैसे बनाएंगे, मेरा एक प्रस्ताव है, आप लोगों के सामने वो प्रस्ताव रख देता हूं। दिल्ली से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और दिल्ली में अगर ये संगठन अच्छा बन गया तो फिर इसको हम पूरे देश पे लागू कर सकते हैं। तो दिल्ली में इस संगठन का सबसे नीचे से शुरुआत करेंगे, सबसे नीचे से बूथ इंचार्ज बनाना शुरू करेंगे और बूथ इंचार्ज हमारे पूरे संगठन की रीढ़ की हड्डी होगा। सबसे बड़ा रोल बूथ इंचार्ज का है, सबसे बड़ा रोल बूथ इंचार्ज का है। तो यहां जितने लोग बैठे हैं सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप में से कई बड़े सीनियर लोग हो सकते हैं, लेकिन सब लोग बूथ इंचार्ज बनने की कोशिश करें, ये छोटी चीज नहीं है। अब ये बूथ इंचार्ज का क्या काम होगा, उस बूथ इंचार्ज की जिम्मेदारी, वो पूरा बूथ है, उस बूथ पे हर वोटर के पर्सनली संपर्क में रहना है। एक बूथ पे 1000 के करीब वोट होते हैं, तो लगभग 250 से 300 परिवार हो गए। अब वो अकेला तो सब में जा नहीं सकता, तो पहला उसका काम होगा कि वो अपने 10 से 15 वॉलंटियर्स की एक टीम बनाएगा। सबसे पहले वो अपनी 10 से 15 वॉलंटियर्स की टीम बनाएगा, उन 10-15 वॉलंटियर्स की फिर 3-4 टीम बना देगा, वो टीम घर घर जाएंगी और घर घर जाके जनता से संपर्क करेंगी। तो उसकी जिम्मेदारी होगी उन 300 परिवारों के लगातार संपर्क में रहना। उसको टारगेट दिए जाएंगे, मान लो उसको कहा जाएगा कि भाई ये पर्चा है, ये पर्चा 300 घरों में पहुंचाना है। मान लो उसे कहा जाएगा कि ये संदेश है, ये संदेश आपको इन 300 घरों में पहुंचाना है, तो वो अपनी टीम के जरिए और खुद भी घर घर जाएगा और घर घर जाके डोर टू डोर करेगा। लेकिन जो बूथ इंचार्ज दो बार टारगेट पूरे करने में असमर्थ रहेगा तो फिर उसको बदलना चाहिए, गलत तो नहीं कह रहा जी, सहमति है सबकी? फिर कभी मैं बदलू कहोगे मेरे को बदल दिया जी अरविंद बड़ा गंदा है, ऐसे तो नहीं कहोगे? तो सबकी सहमति है, दो बार से ज्यादा जो बूथ इंचार्ज अपना टारगेट पूरा नहीं करेगा उसको हाथ जोड़ के कहेंगे भाई पार्टी में रहो, कार्यकर्ता बन जाओ, बूथ इंचार्ज किसी और को भी। दूसरी चीज, बूथ इंचार्ज अपने इलाके में अपने घर को, घर के बाहर पार्टी का बोर्ड लगाएगा, पार्टी का झंडा लगाएगा, पार्टी का वो हमारा वो पार्टी का नुमाइंदा होगा उस इलाके के अंदर, और जब अपनी सरकार बन जाएगी तो जो विकास कार्य बूथ इंचार्ज करेगा वही विकास कार्य उस इलाके में किए जाएंगे, ठीक है भाई साहब? मान लो वहां किसी की समस्या है, वो सीधा, मान लो किसी नागरिक की समस्या है वो सीधा सरकार के पास आ जाता है, तो एक बार तो कर देंगे काम, फिर उसको कहेंगे भाई अगली बार से बूथ इंचार्ज के पास जाया करो काम कराने के लिए। बूथ इंचार्ज काम करवाने के लिए लेके आएगा, वो हमारा ऑफिशियल नुमाइंदा होगा उस इलाके के अंदर, मंजूर है भाई साहब? बूथ इंचार्जों के ऊपर फिर एक पोलिंग सेंटर, पोलिंग स्टेशन इंचार्ज होगा। पोलिंग स्टेशन इंचार्ज की ज्यादा वो नहीं होगी, बूथ इंचार्ज की ज्यादा चलेगी। पोलिंग स्टेशन इंचार्ज तो एक तरह से सुपरवाइज करने के लिए है। पोलिंग स्टेशन इंचार्ज, मान लो कल को सरकार बन गई, पोलिंग स्टेशन इंचार्ज अगर कोई प्रस्ताव लेके आएगा तो उसकी नहीं सुनेंगे, बूथ इंचार्ज की सुनेंगे।
पोलिंग स्टेशन इंचार्ज किसको बनाएंगे? तो कुछ लोगों का कहना था कि जो 5 या 6 बूथ इंचार्ज हैं वो चुनाव करें, लेकिन मैंने ये देखा है भाई साहब कि आपस में जब चुनाव करते हैं ना तो सबसे ढीले आदमी को बना लेते हैं जो कुछ नहीं काम करवाता। गलत तो नहीं कह रहा जी? नहीं, सबको मनमोहन सिंह बड़ा प्यारा लगता है अपने बॉस के रूप में। हमारा बॉस तो मनमोहन सिंह जैसा, वो काम करवाने के लिए कुछ ना। तो दोनों चीजों की जरूरत है, पोलिंग स्टेशन इंचार्ज ऐसा हो जो सबको मंजूर भी हो और जो थोड़ा टाइट करके काम भी कराता हो, ठीक है जी। फिर इसी तरह से पोलिंग स्टेशन इंचार्ज के ऊपर होगा वार्ड इंचार्ज। तो अभी आज हम केवल वार्ड इंचार्ज तक बात करते हैं, चुनाव के बाद हम लोग असेंबली इंचार्ज भी बनाएंगे, लेकिन अभी असेंबली इंचार्ज नहीं बना रहे। अभी कैंडिडेट कोई, जो जो कैंडिडेट होंगे वो कैंडिडेट ही होंगे, क्योंकि अगर 2-1 असेंबली इंचार्ज हो गया, कैंडिडेट हो गया, लड़ेंगे आपस में, मारपीट करेंगे। तो ये आज वार्ड इंचार्ज तक मैं बात कर रहा हूं। वार्ड इंचार्ज तक इस तरह से बनाते हैं, इसकी शुरुआत कल परसों से ही करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने ढांचा आप लोगों के सामने रखा है, इस ढांचे से एक तो जिम्मेदारी मिलती है सबको, एक सबकी जवाबदेही तय होती है। इस ढांचे में अब अपने पास मोटे मोटे तौर पे 11,000 पोलिंग बूथ है दिल्ली में, 11,000 बूथ इंचार्ज बन जाएंगे। अगर कल को मेरे को आपसे बात करनी है तो ये 11,000 तो एक साथ इकट्ठे करने मुश्किल होंगे, लेकिन हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं। आपकी विधानसभा में एक साथ पूरी दिल्ली के अगर सारे वॉलंटियर से बात करनी है और आपको मेरे से बात करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप मेरे से प्रश्न पूछ पाएंगे और मैं आप लोगों तक अपना संदेश दे पाऊंगा। और अगर अपने को मान लो कोई बड़ा निर्णय लेना है तो हर विधानसभा में बूथ इंचार्ज की मीटिंग हो सकती है, वार्ड इंचार्ज की, पोलिंग स्टेशन इंचार्ज की मीटिंग हो सकती है और उनसे उनकी राय जानी जा सकती है, ठीक बात है ना जी। तो एक अपना ढांचा बन जाएगा, एक अपना प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसके जरिए जब हम कहते हैं भाई जन सबसे विचार लिए जाए, तो विचार लेने का तरीका एक बन जाएगा जो आज तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था। दूसरी बात, अभी एक बड़ा अच्छा हमने शुरू किया है, आप लोगों ने आज FM रेडियो पे सुना होगा, ठीक है ना भाई साहब। हम लोगों ने यह शुरू किया है, अभी एक हफ्ता पहले हर MLA को 4-4 करोड़ रुपए का MLA फंड मिला है। हमने ये तय किया है भाई ये फंड हम अपनी मर्जी से खर्च नहीं करेंगे, जनता की मर्जी से खर्च करेंगे। तो हर MLA को बोल दिया है, हर MLA अब अपने अपने इलाके में जनता की सभाएं कर रहा है और जो जनता प्रस्ताव दे रही है वही प्रस्ताव हम MCD के पास या PWD के पास भेज रहे हैं। सुनो सुनो तो सही। और एक और बात है, ये काम जब पूरे हो जाएंगे तो ठेकेदार की पेमेंट तब की जाएगी जब जनता कह दे भाई काम अच्छा हो गया। अच्छा, एक यहां पे आप लोग अपने अपने इलाके में बोल देना, आप लोगों को याद होगा कि जब मैं मुख्यमंत्री था मैं एक कमिटी बना के गया था कि जितने ठेकेदारी पे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको नियमित करने के लिए एक कमिटी बनाई थी। उस कमिटी ने अब अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है 36,000 कर्मचारी नियमित होंगे दिल्ली में। ये हमारी एक अचीवमेंट है। ये सुशांत भाटिया हैं जो GTB हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने यह बना के भेजा है तो इसमें गलती नहीं हो सकती। इसमें इन्होंने लिखा है GTB हॉस्पिटल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद भारी सुधार हुआ है, आपने हमारा मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बदला और अब डॉक्टर BK जैन को आपने दो सुपरिंटेंडेंट बनाया जो बेहद ईमानदार और अच्छी नीयत वाले इंसान हैं। अस्पताल के अंदर सफाई व्यवस्था में भारी सुधार हुआ है, ऑल द ड्रग्स सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट,
अर्लियर ड्रग्स लाइक प्रोपोफॉल फॉर सर्जरी वॉज ब्रॉट बाय द पेशेंट. पहले महंगी दवाइयाँ मिला ही नहीं करती थी अस्पताल के अंदर, सारी दवाइयाँ पेशेंट को बाहर से खरीदनी पड़ती थी. आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सारी दवाइयाँ अस्पताल के अंदर मिलनी चालू हो गई. ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर की अभी भाई साहब ने रिपोर्ट दी है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं. ऑल द सचर्स प्रीवियसली परचेज्ड बाय द पेशेंट्स आर नाउ, वो जो टांके लगते हैं, टांके पहले सारे बाहर से खरीदा करते थे, अब पेशेंट्स को अंदर ही मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं. पहले सारी जांच, खून की जांच, फलानी जांच, एक्सरे सारी बाहर से करवाया करते थे, अब ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब की सारी पेशेंट्स की अंदर फ्री में होती हैं सारी जांचें. पहले जितने प्राइवेट लैब वाले थे, ये दलाली का काम करते थे, सारा दिन अस्पताल में घूमते रहते थे, कह रहे अब इन सब की एंट्री बैन कर दी है, ये अस्पताल में नहीं घूमते अब. तो भाई साहब ये कई सारे हैं, मैं दो पेज की रिपोर्ट है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को ये कहना पड़ेगा कि 49 दिन में जितना काम करके दिखाया था भाई साहब, किसी ने नहीं करके दिखाया. 49 दिन में अगर आपने सरकारी अस्पताल इतने सुधार दिए, भ्रष्टाचार में अगर इतनी कमी आ गई, तो अगर आप 5 साल तक सरकार चलाओगे तो दिल्ली का सोच सकते हो कि क्या सुधार हो सकता है दिल्ली के. तो दोस्तों अक्टूबर के महीने में चुनाव होने की उम्मीद है, दिल्ली विधानसभा शायद जल्द भंग हो जाएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से ही नहीं, बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें लेके आएगी. तो अब सब लोग कमर कस लीजिए और कमर कस के अपने को काम की तैयारी करनी है. क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, उसकी जानकारी आप लोगों को दे देंगे. लेकिन अब इस तरह का अपने बीच में जो सेशन है, ये हर महीने हम लोगों के बीच में हुआ करेगा, और हर विधानसभा में मैं आने वाले दिनों में आपसे आके मिलूंगा. भारत माता की जय.